पॉलिटिशियन बन चुकी रानू मंडल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर आए दिन रानू मंडल की कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है। वो अपनी आवाज के जरिए लोगों के दिलों में घर बना चुकी हैं। वहीं कुछ दिनों से रानू मंडल लगातार ट्रॉल भी की जा रही हैं। ऐसे में रानू मंडल ट्रॉलिंग का शिकार हुई हैं और लोग उनको बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रॉलिंग के बाद अब रानू मंडल के प्रशंसक उतर आए हैं उनके बचाव में। तो चलिए बताते हैं आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दर्शकों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार रानू मंडल बीते कुछ दिनों से ट्रॉल होती जा रही हैं और ये ट्रॉलिंग का सिलसिला इसलिए जारी है। दरअसल रानू मंडल का मेकओवर ऐसा हुआ जिसमें रानू मंडल का चेहरा पूरा सफेद नजर आ रहा था और ये सब कुछ हुआ मेकअप आर्टिस्ट की वजह से। मेकअप आर्टिस्ट ने उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मेकओवर नहीं किया और उनका चेहरा सफेद हो गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रानू मंडल कोलकाता के एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची थी जहां पर उन्होंने रैंप वॉक भी किया था। बेहद ही कॉन्फिडेंस से रैंप वॉक करती हुई नजर आई रानू मंडल, लेकिन उनका मेकअप ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो ट्रॉल हो गई। वहीं लोग सोशल मीडिया पर उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, तो दूसरी ओर अब रानू मंडल के फैंस उनको जवाब देते हुए नजर आए हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रानू मंडल के फैंस कैसे उन लोगों को जवाब दे रहे हैं। वहीं रानू मंडल के मेकअप के बारे में उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए रानू मंडल की वो तस्वीर जहां उनका मेकअप किया गया और वहीं रानू मंडल के फैंस का क्या कहना है उनको लेकर, ये भी हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी रानू मंडल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन बीते लंबे दिनों से वो लगातार अपनी आवाज़ को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। तो वहीं कुछ दिनों से लगातार उनको सोशल मीडिया पर ट्रॉल भी किया जा रहा है। दरअसल रानू मंडल कानपुर के एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची थी जहां पर उन्होंने रैंप वॉक भी किया था। बता दें आपको कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था रानू मंडल ने कैसे रैंप वॉक किया और उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर कैसी वायरल हुई। लेकिन जब वो इस दौरान कानपुर के इस इवेंट में पहुंची तो उनका मेकअप किया गया। दरअसल आपको बता दें कि उनका मेकओवर ऐसा किया गया कि लोग उन्हें ट्रॉल करने लगे और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं। आपको बता दें कि रानू मंडल का चेहरा मेकअप करने के बाद अजीब लग रहा था और लोग उन्हें ट्रॉल करने लगे थे, उनका मजाक बनाने लगे थे। ऐसे में उनका मजाक इतना बना दिया है कि अब रानू मंडल के जो प्रशंसक हैं वो उनके बचाव में उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर जमकर वो उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कि रानू मंडल को लगातार ट्रॉल किए जा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जहां एक ओर रानू मंडल ने अपनी आवाज़ के जरिए सभी को फैन बना दिया तो वहीं दूसरी ओर रानू मंडल की आलोचनाएं भी की जा रही हैं। बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर उनका चेहरा मेकअप की वजह से सफ़ेद दिखने की वजह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे में अब उनके प्रशंसक उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, एक यूज़र ने लिखा है कि लोग रानू मंडल के मेकअप को लेकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, इससे साफ है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर एक यूज़र ने ये भी लिखा है कि हर कोई रानू मंडल का मजाक उड़ा रहा है, किसी को जज करने से पहले शब्दों का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एक यूज़र ने तो ये तक लिखा है कि रानू मंडल के मीम्स क्यों, महिला को अनंत काल के बाद अपने जीवन का समय बिताने को मिलता है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेकओवर बहुत ही खराब है, लेकिन ये मेकअप कलाकार की गलती है। वह खुश लग रही हैं, हर किसी पर मीम्स बनाने लगना गलत है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे रानू मंडल के बचाव में उनके प्रशंसक उतर आए हैं और लगातार उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो उनके मीम्स बना रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें एक यूज़र ने लिखा है, मुझे समझ नहीं आता है कि हर कोई रानू मंडल के मेकअप का मजाक क्यों उड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने खुद ऐसा किया है या इसके बारे में वो कुछ जानती हैं। बता दें आपको कि रानू मंडल के
प्रशंसक उनके समर्थन में उतर आए हैं, और वहीं दूसरी ओर वो लोग उनके मीम्स बना रहे हैं जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में उनके जवाब के बाद क्या ये लोग शांत हो जाएंगे? जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि रानू मंडल यूपी के कानपुर में एक ब्यूटी पार्लर के कार्यक्रम में पहुंची थी, और जहां पर उनका मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप भी किया था, और उन्होंने ये मेकअप ऐसा कर दिया कि रानू मंडल का चेहरा ही अजीब नज़र आने लगा। लोगों को खास पसंद नहीं आया उनका ये मेकअप, और उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स और मीम्स की बरसात कर डाली, जिसकी वजह से रानू मंडल पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रॉल हुई जा रही हैं। बता दें आपको कि हमने आपको पिछली रिपोर्ट्स में बताया था कि रानू मंडल का कैसे मजाक बनाया गया, कैसे उनकी तस्वीरों को एडिट किया गया, कभी उन्हें कुछ कहा गया, कभी उन्हें नन का कंपैरिजन करते हुए सोशल मीडिया पर इमेजेस शेयर की, जिसकी वजह से रानू मंडल ट्रॉल होती गई। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए रानू मंडल के मेकअप की, तो रानू मंडल का मेकअप बेहद ही बेकार किया था, और जिसकी वजह से वो ट्रॉल हो गई। वहीं आपको बता दें कि रानू मंडल के मेकअप आर्टिस्ट ने जो मेकअप किया, उनकी तस्वीरें भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि रानू मंडल एक ऐसी हस्ती बन चुकी हैं कि आज उन्हें हर कोई जानता है, पहचानता है, और आज के समय में रानू मंडल की जैसी आवाज़ का दीवाना सभी हो चुके हैं। बता दें आपको कि जब रानू मंडल का मेकअप जिस आर्टिस्ट ने किया, उन्होंने ऐसा मेकअप किया कि जिसकी वजह से रानू मंडल के फनी मीम्स बनने लगे। आग की तरह फैलने वाली इन इमेजेस के जरिए रानू मंडल लगातार ट्रॉल होती जा रही हैं। वहीं जब उन्हें यूपी के कानपुर में इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बुलाया गया, तो वहां की लोकल मेकअप आर्टिस्ट ने ही उनका मेकअप किया, जिनका नाम है संध्या। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा मेकअप किया कि रानू के चेहरे पर हैवी मेकअप कर दिया कि उनका चेहरा पहचान में ही नहीं आया, और जब वो उनके साथ रैंप वॉक पर भी गई, तब भी उन्हें लोग देखते रह गए। जहां पर एक और जब रानू मंडल रैंप वॉक पर गई, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो शान से रैंप वॉक कर रही थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने रानू की तस्वीर को शेयर करते हुए लिख दिया था, रानू मंडल के मेकअप आर्टिस्ट को 2020 का ऑस्कर अवार्ड मिलता है, रानू के मेकअप का लोग काफ़ी मजाक बना रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि रानू की तस्वीर को फोटोशॉप किया गया है। तो देखा दर्शकों आपने कि रानू मंडल का ये मेकअप उनकी मेकअप आर्टिस्ट ने इतना बेकार किया, जिसकी वजह से रानू मंडल लगातार ट्रॉल हो रही हैं, और ट्रॉलिंग के बाद से उनके ये समर्थक अब उनके बचाव में हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है, क्या ये प्रशंसक उन लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे जो लोग रानू मंडल के फनी मीम्स बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे रानू मंडल ट्रॉल की गई, और अब उनके फैंस कैसे जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिलहाल तो रानू मंडल के आलोचक और उनके प्रशंसक एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जहां एक ओर आवाज से दीवाना बनाने वाली रानू मंडल सोशल मीडिया पर छा गई हैं, तो वहीं ट्रॉलिंग को लेकर भी वो लगातार छाई हुई हैं। मेकअप की वजह से वो ऐसी छाई कि लोग उन्हें ट्रॉल करने लगे, और ऐसे में अब उनके फैंस भी उतर आए हैं, और अब देखते हैं कि आखिरकार ट्रॉलर्स को जवाब देने के लिए उनके फैंस कहां तक जवाब देते हैं। रानू मंडल अपनी आवाज़ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है, ऐसे में रानू मंडल के मेकअप ने उनको ट्रॉलिंग का शिकार बना दिया। तो दर्शकों, आपकी क्या राय है रानू मंडल को लेकर, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर करें। We'll be right back.